तो साथियों, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग दो में, ठीक है? तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ पर है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास जो है वो कहाँ पर है? तो वह है नरसिंहपुर में। कहाँ पर है? नरसिंहपुर जिले में। कहाँ है? नरसिंहपुर जिले में, ठीक है साथियों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर बना है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो होशंगाबाद जिले के शासकीय अस्पताल में खोला है। शासकीय अस्पताल में खोला गया मदर मिल्क बैंक। क्या? मदर मिल्क बैंक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहली खुली जेल जिसका नाम नवजीवन शिविर है, कहाँ पर खोली गई? तो साथियों, यह जेल जो है वो अशोकनगर जिले के मूंगावली नामक स्थान पर खोली गई। मूंगावली स्थान पर खोली गई है, मूंगावली स्थान पर खोली गई है, ठीक है। रहा है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान है वन विहार भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान है वन विहार भोपाल में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ग्राम पवन ऊर्जा फार्म पहला पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा जो पहला था वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा वो है जाम गोद रानी जो कि देवास में है। जामगोद रानी में देवास में पवन ऊर्जा फार्म है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथ ही मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित किया गया था नीमच में। कहाँ? नीमच में स्थापित किया गया था। फिर मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कौन सा है? तो साथ ही मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना जो है वो है हबीबगंज जो कि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सालय कहाँ पर है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सालय है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है एकमात्र दंत चिकित्सालय। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर जो है वह है शिवपुरी। पहला पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी। फिर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर है? तो वो है बेरसिया, बेरसिया जो कि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? तो वो है कस्तूरबा ग्राम, कस्तूरबा ग्राम जो कि इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है यह। फिर ये सौर ऊर्जा ग्राम कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहले डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई? तो साथ ही मध्य प्रदेश की जो पहली डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर है जो है वो है सागर जिले में। कहाँ पर है? सागर जिले में डीएनए की। फिर मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो वो बना है खंडवा जिले में। कहाँ पे बना है?
खंडवा जिले में मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के में सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है। तो साथ ही इस सेक्स वर्क को लेकर पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है हमारा गुना जिले में। कहाँ पर? गुना जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? तो वो है NH3, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी विद्यालय है मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। तो आइए हम इनको रिपीट कर लेते ताकि आपको याद हो जाए। तो हॉकी छात्रावास मध्य प्रदेश का पहला है नरसिंहपुर। फिर मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद जिले में। फिर खुली जेल नवजीवन शिविर अशोकनगर में है मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान। वन विहार में मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म है जाग गोदरानी देवास में। जाग गोदरानी देवास में मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना है हबीबगंज भोपाल। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत विद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय है बेसरिया। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम है कस्तूरबा ग्राम इंदौर। मध्य प्रदेश की पहली DNA प्रयोगशाला है सागर जिले में। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश में सेक्स वर्करों के पुनर्वास केंद्र गुना जिले में बनाया गया। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था है? तो NH3 है। और मध्य प्रदेश के एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है मंदसौर में।